चैप्टर 8.3, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो फाइनल एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो क्वेश्चन एक को देखते हैं, निम्नलिखित का मान निकालिए, यानी इन सब का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं कुछ समझाना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पे कुछ एक सिद्धांत जैसे दिया हुआ है, जैसे कॉस ए को हम साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं। अगर मतलब कॉस ए यानी ए के जगह कुछ अगर रहे मान, जैसे कि 5, 6, 12, 13 मान लीजिए कॉस 12 रहा, तो हम लोग उसको साइन 90 माइनस 12 लिख सकते हैं। तो वैसे ही साइन ए को हम लोग कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं, टेन ए को कॉट 90 माइनस ए, कॉट ए को टेन 90 माइनस ए, एंड कॉसेक ए को सेक 90 माइनस ए, तथा सेक ए को कॉसेक 90 माइनस ए। ये सबका देखिए ऑपोजिट है, कॉसेक ए है तो इसको सेक लिखेंगे, सेक ए है तो कॉसेक लिखेंगे, टेन ए है तो कॉट लिखेंगे, साइन ए है तो कॉस लिखेंगे, और इधर भी सब ऑपोजिट है। तो ये तीनों फार्मूला को ये 6 फार्मूला को आप लोग को अपने माइंड में रखना होगा। तो जैसे देखिए साइन 18 बटे कॉस 72, तो हम साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग साइन 90 माइनस 72। यहाँ साइन को हम लोग पहले साइन ही लिखेंगे, साइन 90 माइनस 72 और कॉस 72। फिर अगर साइन 90 माइनस 72 है तो जैसे देखिए यहाँ पे साइन ए है, ए के जगह है 72, तो मतलब यहाँ पे जैसे साइन 90 माइनस 72 है, यानी साइन 90 माइनस 72 तो कॉस ए यानी कॉस को 72 लिख सकते हैं। यानी मान लीजिए कि है यहाँ पे साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होगा, तो यहाँ साइन है 90 के जगह 90 ही है और ए के जगह 72 है, तो कॉस ए के जगह 72 है तो 72 हो जाएगा। तो हम लोग साइन 90 माइनस 72 को कॉस 72 लिख सकते हैं, और ये कॉस 70 तो कॉस 72 ही रहेगा, यानी कट जाएगा तो बचेगा एक। फिर क्वेश्चन दो को देखते हैं, 10, 26, तो 10 को 10 लिखेंगे, और अगर 90 से माइनस करेंगे 64 को तो 26 आएगा, 90 से अगर 64 माइनस करेंगे तभी 26 आएगा, फिर कॉट 64, 10 90 माइनस 64 है तो 10 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होगा, तो कॉट ए के जगह 64 है तो 64, फिर ये कट जाएगा तो बचेगा एक। वैसे ही कॉस 48 को हम लोग कॉस 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 90 से 42 को माइनस करेंगे तभी 48 आएगा, फिर साइन को 42 ही लिखेंगे। कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, तो साइन ए के जगह है 42 और साइन 42, साइन 42 से माइनस होगा साइन 42 तो 0, फिर कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 59, क्योंकि अगर 90 में से 59 करेंगे तभी 31 आएगा, और सेक 59 डिग्री, और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए होता है, तो सेक ए के जगह है 59 माइनस सेक
sec 59 से माइनस करेंगे, sec 59 को जीरो होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और चैप्टर था 8.3।